अस्सलाम वालेकुम, कैसी है हमारी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज आपके लिए एक बहुत ही यूनिक स्टाइल का कस्टर्ड रेसिपी हम लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही क्विक और बहुत ही आसान है। आप इसे मिनटों में बना सकते हैं किसी भी दावत पे। चलें जी, इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जेली की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, ताकि हमारी जेली अच्छे से सेटल हो जाए। इसके लिए हमने एक सॉस पैन लिया और इसमें डाल दिया है 1.5 कप पानी। पानी में जब छोटे छोटे बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे 1 पैक जेली। यहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरी जेली यूज़ की है। आपको कोई भी कलर और फ्लेवर पसंद है, आप वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन येलो और रेड का कंट्रास्ट बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे जेली अच्छे से डिजॉल्व हो चुकी है और यहाँ पे बबल्स आने लग गए। हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जेली में से हमें थोड़ी सी स्टीम निकाल देनी है, ताकि ग्लास में अच्छे से सेटल हो जाए, ग्लास क्रैक ना करे। यहाँ पे हमने डिज़ाइन बनाने के लिए, जो कि बहुत ही यूनिक है, इसके लिए हमने टेप ली है। आप टेप के मोल्ड के अंदर ग्लास को इस तरह से टेढ़ा रख दें, तिरछा रख दें। आपके पास किसी भी शेप में ग्लास है और कोई भी इस तरह की चीज़ है जिससे ये डिज़ाइन बन सके, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब बारी है मज़ेदार कस्टर्ड बनाने की, जिसके लिए हमने एक सॉस पैन में लिए हैं 3 कप दूध। इसको हम अच्छे से बॉयल कर लेंगे। जब तक दूध बॉयल होता है, आप हमारे अगर चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। यहाँ पे बॉयल आ चुका है, अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप शुगर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मीठा एडजस्ट कर सकते हैं। जब तक दूध और चीनी पक रहा है, यहाँ पर हमने लिया है 4 खाने के चम्मच कस्टर्ड। यहाँ पर हमने वनीला कस्टर्ड यूज़ किया, आप कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसमें थोड़ा सा दूध डाला है कि कस्टर्ड अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अब हम स्लोली इसमें ऐड करते रहेंगे। कस्टर्ड को आपने आहिस्ता से डालना और साथ साथ आप हिलाते रहें, ताकि कोई भी इसके अंदर गुठली ना बने। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये बहुत ही प्रेजेंटेबल लगता है। देखिए हमारा कस्टर्ड कितना अच्छा सा रेडी हो गया है। ये हमने 5 मिनट पकाया है, इसमें बबल्स आने लग गए हैं, इसका मतलब हमारा कम्प्लीटली डन है। फ्लेम ऑफ करेंगे और कस्टर्ड को हम ठंडा कर लेंगे। देखें यहाँ पे हमारा कस्टर्ड भी ठंडा हो चुका है और जेली भी हमारी सेट हो चुकी है, और ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन भी बन चुका है। यहाँ पे हम टेप को रिमूव कर देंगे, ग्लास को ऐसे ही बेस पे रख देंगे। देखें कितनी अच्छी सी जेली हमारी सेट हो गई है। अब हम इसके अंदर कस्टर्ड को ऐड करेंगे, कि बहुत ही मज़े का होता है। आप इसे चिल करके खाइएगा, आप किसी भी दावत में बनाइएगा, आपके मेहमान खुश हो जाएंगे। हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता सारा कस्टर्ड ऐड कर देंगे। ये डबल शेडेड बनेगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। देखिए जी, हमने सारा कस्टर्ड इसके अंदर ऐड कर दिया है। आपने ग्लास को बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरना, बस इतना आप इसे भरेंगे और इसे हल्का सा टैप करें, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और चारों तरफ फैल जाए। देखिए जी, हमारा कस्टर्ड हो गया है रेडी। अब हम इसकी करते हैं डेकोरेशन। हमने रिमेनिंग जेली में से कुछ इसके क्यूब्स फ्रीज कर लिए थे, हमने इसके क्यूब्स सेट हो गए थे, हमने यहाँ रख दिए। और आप इसे किसी भी चीज़ से डेकोरेट कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। हमारे पास फ्रूट कॉकटेल अवेलेबल था, हमने साथ में इसमें फ्रूट कॉकटेल भी ऐड कर दिया है, इससे इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। यहाँ पे हमने मिंट लीव ऐड किया है, ताकि ये बहुत ही कलरफुल सा लगे। ये देखें कितना खूबसूरत, कलरफुल, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप इसे किसी भी तरह के ग्लासेस में बना सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो और जो भी आपको पसंद हो। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा किसी भी पार्टी में, किसी भी दावत में। ये आपकी दावत को मज़ीद मज़ेदार कर देगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने प्यारों से इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।